350 साल पहले साधु बालूनाथ अपनी ही तंत्र की माया का शिकार होकर अंधेरी गुफा में एक चट्टान के तले दबा हुआ दर्द से कराह रहा था। रत्नावती, अगर तू मेरी नहीं हो सकी तो किसी और की भी नहीं हो पाएगी। इस राज्य ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है और जाते जाते मैं भी भानगढ़ का सब कुछ छीन लूंगा। भानगढ़ और उसके लोगों को मेरा श्राप है। भानगढ़ उजड़ जाएगा और दोबारा कभी नहीं बस पाएगा और इस राज्य की सभी औरतें इसी क्षण बांझ हो जाएगी। राजकुमारी रत्नावती जो अपनी दासी के साथ वहां खड़ी ये सब देख रही थी, ये सब सुन वो भी डर गई थी। वो बालूनाथ को हाथ जोड़ती और उसके आगे गिड़गिड़ाती, मगर बालूनाथ मरते हुए भी बदले की आग में जल रहा था। इसी के साथ साधु बालूनाथ ने अपनी आखिरी सांस ली और मौत की गोद में हमेशा हमेशा के लिए सो गया। कुछ दिनों के बाद मुगलों ने भानगढ़ पर हमला कर उसे लूट लिया और राजकुमारी रत्नावती को उनके किले की दीवार से फेंक मार दिया गया। साल 2021, सरकार ने एक लंबे अंतराल के बाद लॉकडाउन खोला है और कई पर्यटकों की तरह राहुल और स्वाति भी निकल पड़े हैं रोड ट्रिप पर भानगढ़ घूमने। दोनों अपनी गाड़ी में गीत गुनगुनाते और बातें करते चले जा रहे थे। दोपहर की कड़कड़ाती धूप में दोनों भानगढ़ के किले में पहुंचे, जहां उम्मीद से बहुत कम लोग घूमने आए थे। जब शाम होते ही सब किले के बाहर जाने लगे, तब राहुल स्वाति का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। राहुल, हमें चलना चाहिए। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। ये तुम क्या कर रहे हो राहुल, क्या तुम नहीं जानते यहाँ सूर्य अस्त के बाद रुकना खतरे से खाली नहीं है। अरे सब अफवाह है, लोगों को डराने के लिए। मैंने गार्ड को पैसे दे दिए ताकि हम यहाँ रात गुजार सके। किले की ऊपरी मीनार में रत्नावती का कमरा है, आज रात हम वहीं रुकेंगे। सूरज ढलते ही दोनों रत्नावती के कमरे में आ गए थे, पर जैसे ही स्वाति ने दीवार पर टंगी रत्नावती की पेंटिंग को देखा तो एक टक बस उसे निहारती ही रही। पर जैसे ही रत्नावती की पेंटिंग ने अपनी पलकें झपकाई तो स्वाति एकदम डर से चीखने लगी। राहुल, राहुल, उस फोटो ने आग झपकी, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज चलो यहाँ से जल्दी। स्वाति, स्वाति, शांत, एकदम शांत हो जाओ। हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं है। यहाँ के किस्से और कहानियाँ सुनकर अक्सर ऐसे वहम हो जाते हैं। पर राहुल, मैंने सच में किसी को यहाँ देखा था। उस स्वाति, मेरी आंखों में देखो और मुझ पर भरोसा रखो, मेरे रहते तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। देखो, अब अगर ये भूत वूत की बातें हो गई हो तो जरा पास आ जाएं, वरना रात बुरा मान जाएगी। राहुल के इस रोमांटिक अंदाज को देखकर स्वाति ने अपना ओवरकोट उतारा, एक कुर्सी पर रख दिया और राहुल के पास बिस्तर पर जाकर उसे चूमने लगी। दोनों आपस में एक दूसरे से सांप की तरह लिपट ही रहे होते हैं, तभी राहुल चुपके से स्वाति के एक हाथ में हथकड़ी लगा उसे बिस्तर की ग्रिल से बांध देता है। राहुल, मुझे तुम्हारे इरादे नेक नहीं लग रहे हैं, करना क्या चाहते हो? राहुल कमरे में लगी रत्नावती की पेंटिंग को प्यार से देखते हुए बोला, बिल्कुल सही कहा, अब तुम्हारी बलि देकर रत्नावती को इस दुनिया में वापस लाना कोई नेक ख्याल तो नहीं हो सकता ना? राहुल की विचित्र हंसी सुनकर स्वाति जरा असहज हो गई थी और वो हकलाते हुए बोली, मुझे ये मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज मेरे हाथ खोलो। मगर राहुल पर तो मानो जैसे कोई भूत सवार हो। वो स्वाति को अनसुना कर रत्नावती की पेंटिंग को देख एक मंत्र तेज तेज दोहराने लगा। इससे कुछ देर बाद ही जमीन से एक यक्षिणी राहुल के सामने आ गई। यक्षिणी का भयानक रूप देख स्वाति ने डरते हुए पूछा, राहुल ये कौन है? तुम्हारी इसी आदत के कारण तुम्हारी बलि चढ़ानी पड़ रही है, हमेशा सवाल पे सवाल करती रहती है। क्यों बुलाया है मुझे? हे यक्षिणी,
मेरी एक कामना है और उसे पूर्ण करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या चाहिए तुझे? मैं इस पेंटिंग में जो राजकुमारी है उसे असल जिंदगी में वापस जीवित चाहता हूँ। यक्षिणी का नियम जानता है ना? कामना के बदले आत्मा दे पाएगा? जरूर दे पाऊंगा। ये मेरी गर्लफ्रेंड स्वाति जो मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करती है, ये मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार है। क्यों स्वाति, अपने प्यार के लिए अपनी जान दे दोगी ना? राहुल के इतना कहते ही स्वाति अपने हाथ में लगी हथकड़ी को जोर जोर से खींचते हुए कहने लगी, प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, प्लीज। मगर यक्षिणी को एक बार बलि चढ़ा दी तो उसके रुकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यक्षिणी देखते ही देखते स्वाति की आत्मा को निगल गई और पीछे छोड़ गई तो बस उसका बेजान कंकाल। यक्षिणी के जाते ही रत्नावती की तस्वीर जमीन पर गिर थर थराने लगी और देखते ही देखते तस्वीर के कैनवास को फाड़ उसमें से बाहर आती है रत्नावती, हूबहू वैसी ही जैसी वो पेंटिंग में थी। रत्नावती के सुंदर रूप को देख राहुल बेसुध हो गया। रत्नावती भी राहुल को सिर से पांव तक देख हैरान थी और चारों ओर देखने के बाद आखिर उसने राहुल से पूछ ही लिया, कौन हो तुम? हमारी दासियां कहाँ हैं? और ये हमारा कमरा इस हाल में कैसे? जी मेरा नाम राहुल है। राजकुमारी जी आप मुझे नहीं जानती पर मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। ये साल 2021 है, आपके समय से 350 साल बाद। कॉलेज में जब से आपके बारे में पढ़ा और सुना था तब से आपको देखने की इच्छा थी। अब आप सामने खड़ी हैं तो यकीन ही नहीं हो पा रहा। यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा कि समय की धारा के पार हम वापस कैसे जीवित हो गए। राजकुमारी रत्नावती मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या आप मुझे स्वीकार करती हैं? राजकुमारी बिना कोई शब्द कहे अपना हाथ राहुल के सीने से होते हुए उसकी गर्दन पर ले गई और उसे प्यार से गले लगा लिया। कुछ देर बाद रानी रत्नावती और राहुल कमरे के बाहर बैठे बातें कर रहे थे। इतने सालों में क्या क्या बदल चुका है बाहरी दुनिया में? क्या आज भी औरतें और लड़कियां घूंघट ओढ़कर नदी से पानी लेने जाती हैं? क्या आज भी राजकुमारियां पालकी में सफर करती हैं? और मुगलों को क्या हमने हरा दिया? अरे राजकुमारी जी जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है, पानी अब नल से आता है और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कार बाइक और प्लेन से आना जाना होता है। और तो और कबूतर की जगह लोग अब फोन का इस्तेमाल करते हैं। और मुगलों को तो अंग्रेजों ने हराया और फिर हमने लड़कर अंग्रेजों से आजादी पाई। वैसे राजकुमारी आपके हाथ इतने कठोर और झुर्रियों से भरे हुए क्यों हैं? वो दरअसल हमें एक चर्म रोग है। सुनो राहुल, हम एक बात जानने को आतुर हैं। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या आप हमें बता सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल पूछिए ना। हमें वापस कैसे लाए तुम? हमारा मतलब तुम्हारे लिए मुश्किल रहा होगा ना? हाँ थोड़ा मुश्किल था पर राजकुमारी जी आपके लिए तो पहले तो कुछ ग्रंथ और काले जादू की किताबें पढ़ी और फिर आखिरकार एक ऐसा मंत्र मिला जिससे कामना पूर्ण करने वाली यक्षिणी को बुलाया जा सकता है। हमारी भी एक कामना है, क्या हमारे लिए उस यक्षिणी को बुला सकते हो? राहुल जो रत्नावती के प्यार में अंधा हो चुका था बिना ज्यादा सोचे यक्षिणी को मंत्र पढ़कर बुलाता है। यक्षिणी पहले की तरह ही जमीन से अवतरित होती है। ये यक्षिणी मेरी कामना है, मैं अपने हर रोग से मुक्त होना चाहती हूँ और अपने सुंदर रूप के साथ एक अनंत जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। जो मांग रही है वह अनंत जीवन एक अनंत श्राप भी बन सकता है, लेकिन अगर यही चाहती है तो जा, दिया तुझे लंबे समय तक चलने वाला सौंदर्य जीवन का वरदान। इस यक्षिणी का एक ही नियम है, कामना के बदले आत्मा। ए ए यक्षिणी तू भूल रही है, तुझे बुलाने वाला मैं हूँ और रत्नावती की जिंदगी के बदले अपनी प्रेमिका स्वाति की आत्मा की बलि चढ़ा चुका हूँ। अब और कोई बलि नहीं मिलेगी, इसलिए चुपचाप से जो रत्ना मांग रही है उसे दे और चलती बन। जो अपनी प्रेमिका का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा? मेरी बलि स्वीकार कर यक्षिणी। इससे पहले कि राहुल कुछ समझ पाता रत्नावती ने एक टेबल के नीचे से खंजर निकाला और राहुल के सीने पर निशाना लगा, इतनी जोर से फेंका कि राहुल की आखिरी सांस भी उसके हलक में ही रह गई। यक्षिणी भी राहुल के गर्म शरीर से निकले रूह को लेकर कमरे से गायब हो गई। समय बदल जाता है मगर मर्दों की नीयत नहीं। तुम मर्द जात बस दिखते बलशाली हो लेकिन अंदर से कमजोर और खोखले होते हो।
आखिर तुम्हारे साथ भी वही करना पड़ा जो बालूनाथ के साथ करने पर मैं मजबूर थी। 350 साल पहले भानगढ़ के राजा की इकलौती बेटी राजकुमारी रत्नावती बेहद सुंदर और मनमोहक थी, लेकिन फिर भी एक चीज जो आम जनता की नजरों से छुपी हुई थी और वो था उनका चर्म रोग। राजकुमारी थी तो 23 वर्ष की, लेकिन उसके हाथ छूने पर पत्थर से कठोर और पास से देखने पर झुर्रियां दिखती थी। ये विचित्र चर्म रोग जो बाएं हाथ से शुरू हुआ था और अब उसके दोनों हाथों पर फैल चुका था और इसके पूरे शरीर पर बढ़ने के आसार भी थे, अगर राजकुमारी को कोई इससे मुक्ति दिला सकता था तो वो था साधु बालूनाथ, जो भानगढ़ से कुछ दूर एक पहाड़ी गुफा में तप किया करता था। राजकुमारी जब अपनी दासी के साथ बालूनाथ की गुफा में पहुंचती है तो दोनों बालूनाथ को देखकर डर जाते हैं। फिर भी हिम्मत कर राजकुमारी ने उसको सब कुछ बता दिया, लेकिन बालूनाथ ने राजकुमारी की एक नहीं सुनी। वो तो बस राजकुमारी की खूबसूरती को ही निहारता रहा, जिससे राजकुमारी को बालूनाथ की नीयत ठीक नहीं लग रही थी। इसी कारण राजकुमारी ने अपने गुप्तचर उसकी गुफा के आसपास छोड़ दिए। और दो दिन बाद गुप्तचर ने बालूनाथ को एक इत्र की शीशी को देख कहते सुना, ये इत्र ना सिर्फ रत्नावती की बीमारी का इलाज करेगा परंतु उसे मेरा गुलाम भी बना देगा। वो मेरी दीवानी हो जाएगी, मेरे अलावा उसे कोई हासिल नहीं कर सकता। राजकुमारी के कानों में जब ये बात गई तो वो अगले ही दिन अपनी दासी के साथ गुफा में आ गई। बालूनाथ ने भी अपने मन मुताबिक राजकुमारी को इत्र की शीशी थमाते हुए कहा, लीजिए राजकुमारी जी, इस इत्र को अपनी दोनों कलाइयों पर लगाइए और इसकी महक लेने के बाद देखिए क्या कमाल होता है। बालूनाथ की बात सुन राजकुमारी ने इत्र की शीशी अपने हाथ में ले ली, लेकिन अगले ही पल उसे पास की चट्टान पर दे मारा, जिससे वो चट्टान हवा में उड़ बालूनाथ के ऊपर आ गिरा। तुम्हें क्या लगा इस इत्र को सूंघते ही मैं तुम्हारे वश में हो जाऊंगी, तुम्हारी दीवानी हो जाऊंगी? कभी नहीं, मेरे जैसी सुंदर राजकुमारी तुम जैसे बदसूरत तपस्वी को अपना पति कभी स्वीकार नहीं करेगी। रत्नावती, अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो किसी और की भी नहीं हो पाओगी। इस राज्य ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है और जाते जाते मैं भी भानगढ़ का सब कुछ छीन लूंगा। भानगढ़ और उसके लोगों को मेरा श्राप है, भानगढ़ उजड़ जाएगा और फिर दोबारा कभी नहीं बस पाएगा। और इस राज्य की सभी औरतें इसी क्षण बांझ बन जाएगी, इसी क्षण से। इसी के साथ बालूनाथ ने अपनी आखिरी सांस और उसके मरते ही पूरी गुफा कांपने लगी। राजकुमारी तो किसी तरह उस गुफा से निकल आई, पर उसकी दासी एक चट्टान के नीचे गुफा के अंदर ही दबकर मर गई। और महज कुछ ही दिनों में बालूनाथ का कहा सच हो गया, मुगलों ने भानगढ़ पर हमला कर उसे लूट लिया और राजकुमारी रत्नावती को उनके किले की दीवार से फेंक मार दिया गया। वो दिन है और आज का दिन है, बालूनाथ के श्राप ने आज तक भानगढ़ को एक बंजर सभ्यता बनाए रखा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।